प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडे सारिआं दा अज दे इस ऑनलाइन लैक्चर दे विच स्वागत है। अज आपां तुहाडी क्लास प्लस टू का जिहड़ा चैप्टर सिक्स है एप्लीकेशंस ऑफ डेरीवेटिव उसकी एक्सरसाइज 6.2 विच इज़ बेस्ड ऑन इनक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शनस वह करन जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज दे विच आपां बच्चे ये सीखांगे किहड़े फंक्शनस इनक्रीज़ कर रहे हैं, किहड़े डिक्रीज़ कर रहे हैं। कई फंक्शनस नाइदर इनक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होंदे आ, ठीक है। इस इनक्रीजिंग ते डिक्रीजिंग तो मतलब की है, इंदी आपां डेफिनेशन ते चलदे हां। सब तो पहला हाँ जी बच्चे, इनक्रीजिंग फंक्शन दी सब तो पहला आपां डेफिनेशन करदे हां। कोई फंक्शन इनक्रीजिंग कदों हुंदा, ठीक है। अपने को फंक्शन एफ इज सैड टू बी इनक्रीजिंग इफ एफ एक्स इनक्रीजेज एज एक्स इनक्रीजेज। सो ये डेफिनेशन है बच्चे, और इन अदर वर्ड्स आप भी कह सकते हैं ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी इनक्रीजिंग इफ एफ एक्स डिक्रीजेज एज एक्स डिक्रीजेज। की मतलब की है इनका? अपने को फोर एग्जाम्पल एक्स वन तो एक्स टू, ठीक है। एक्स वन तो एक्स टू अपने को डोमेन ऑफ एफ दे विचों बिलोंग कर रहे हैं वो, ठीक है। एक्स वन लैस दैन है एक्स टू तो, इफ इट इंप्लाइज एफ एक्स वन लैस दैन एफ एक्स टू और एक्स टू अपने को लैस दैन एक्स वन, आपू इंज भी लिख सकते हैं, और एक्स वन ग्रेटर दैन है एक्स टू दे। दिस इंप्लाइज एफ एक्स वन ग्रेटर दैन एफ एक्स टू। सो ये दो कंडीशन है अपने को, जे फंक्शन इन्हों सैटिस्फाई कर जूगा तो वह फंक्शन आप कहे वह इनक्रीज़ कर रहा। जिमें जिमें कह लो अपने को एक्स की वैल्यू वध रही है, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू भी वध रही है, जो उनकी रेंज है जी वध रही है, तो वह फंक्शन है जिहड़ा इनक्रीज़ कर रहा होगा, ठीक है। जे एक्स टू की वैल्यू एक्स वन तो घट रही है, ठीक है, जां कह लो एक्स वन की वैल्यू एक्स टू तो ज़्यादा है, तो एफ एक्स वन की वैल्यू भी जो एफ एक्स टू तो ज़्यादा होगी तो आप उस केस के भी की कहेंगे फंक्शन है जिहड़ा वो इनक्रीज़ कर रहा है जां स्ट्रिक्टली इनक्रीज़ कर रहा है। सो दो केसेस है, जां फंक्शन इनक्रीज़ करेगा जां स्ट्रिक्टली इनक्रीज़ करेगा। इंदी मैं तुहानू एक एग्जाम्पल दे के समझाना। अपने को फोर एग्जाम्पल एक फंक्शन है, आप एग्जाम्पल लै लें एक एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव। अपने को फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, आप इतने लैट कर लिए वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। इन्हें मैं टेबल बना जा रहा जिन्हें तो आपको पता लगेगा भी जिमें जिमें एक्स इनक्रीज़ कर रही है, जिमें जिमें अपने को एक्स इनक्रीज़ कर रही है उमें उमें जी वाई है ज कह लो एफ एक्स है वह भी इनक्रीज़ कर रही है। जो एक्स वन भर ए सो जो वन भर गए टू प्लस फाइव सैवन आजगा, ठीक है। जो हम सिमिलरली इस तरह एक्स टू भरेंगे इतने ये टू भरया टू टू का फोर, फोर प्लस फाइव नाइन। जो तुम एक्स थ्री भरोंगे थ्री टू का सिक्स, सिक्स प्लस फाइव इलेवन। जो फोर भरोंगे फोर टू का एट प्लस फाइव थर्टीन। सो सिमिलरली इस फैशन के जिमें जिमें एक्स दैल्यूज़ इनक्रीज़ हो जाएगियाँ एफ एक्स की वैल्यू है ज कह लो वो वध रही है, ठीक है। जां इधरों देखिए एक्स की वैल्यू जो घट रही है चार है तीन है दो है एक है जी इनकी वैल्यू भी घट रही है।
ਸੋ ਇਹ ਉੱਪਰਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਫ ਐਕਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਫ ਐਕਸ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ। 4 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡ 13 ਆਇਆ, 3 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡ 11 ਹੈ, 2 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡ 9 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਐਕਸ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਫ ਐਕਸ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ 2x ਪਲੱਸ y ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇੱਥੇ ਪਲੋਟ ਕਰੀਏ ਜੀਓਜੈਬਰਾ ਐਪ 'ਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਵਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੁਣ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਧਰ 2.64 ਆ ਗਈ, 10.28 ਆ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘਟਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਸੋ ਸੇਮ ਰਲਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇਫ ਐਫ ਐਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ ਐਜ਼ ਐਕਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੂਗੀ ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਵਧੂਗੀ, ਜੇ ਐਫ ਐਕਸ ਦੀ ਘਟੂਗੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵਧੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਐਫ ਐਕਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ਸ ਐਜ਼ ਐਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਐਫ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਔਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਇਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇ ਐਕਸ ਵਨ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਕਸ ਟੂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਫ ਐਕਸ ਵਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਐਫ ਐਕਸ ਟੂ, ਅਤੇ ਐਕਸ ਵਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਐਕਸ ਟੂ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਐਕਸ ਵਨ ਅਤੇ ਐਕਸ ਟੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਫ ਐਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ 2x ਪਲੱਸ 3 ਹੈ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾਈਏ, ਉਹੀ ਲੈਟ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਫ ਐਕਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ x ਹੈ y ਹੈ,
जो एक्स वन पर आएंगे बच्चे अपने को की आ जाऊगा वन आ जाऊगा जो एक्स टू पर आओगे ठीक है। टू टू द फोर माइनस फोर माइनस वन आ जाऊगा जो थ्री पर आओगे थ्री टू द माइनस सिक्स प्लस थ्री माइनस थ्री आ जाऊगा जो फोर फिल करोगे माइनस फोर टू द माइनस एट माइनस दे फाइव आ जाएंगे जो नैगेटिव फिल करोगे। सो आप इतने पहले तो ऑबजर्व करिए एक तो एक है पॉजिटिव सगा जो दो पर है वैल्यू नैगेटिव हो गई ठीक है घट गई वैल्यू जिमें जिमें एक्स की वैल्यू बढ़ रही है ठीक है वाई की वैल्यू की है घट रही है जो तीन पर है माइनस तीन होगी क्योंकि माइनस एक का माइनस तीन तो व्डा आंदा माइनस तीन छोटा आंदा ठीक है। नंबर लाइन से अपने को जी लैफ्ट हैंड साइड से वैल्यू लाई करती है छोटी होंगी है फोर पर है तो माइनस फाइव फोर जो आप ग्राफ बना के वेखिए y इज इक्वल्स टू माइनस टू एक्स प्लस थ्री। सो इन आप ग्राफ जो देखा पॉइंट ले लिए बच्चे तुम की देखोगे जिमें जिमें हम एक्स की वैल्यू इधर इनक्रीज कर रही है इस साइड तो अपने को इनक्रीज करूगी जिमें जिमें इधर नंबर लाइन तो राइट हैंड साइड में जावे जिमें जिमें नंबर लाइन तो इधरों लैफ्ट हैंड साइड में होरिजोंटल जावे एक्स की वैल्यू डिक्रीज करूगी कोरसपोंडिंग वाई दैल्यूज इतने आ रही जिमें एक्स इतने माइनस पॉइंट फाइव सिक्स है कोरसपोंड वाई कि है फोर पॉइंट वन सिक्स जहाँ कह लो ये अपने को एफ एक्स की वैल्यू है ना चार पॉइंट सोलह हूँ तुम जिमें जिमें इनक्रीज कराओगे बच्चे हो पॉइंट एग्जैक्ट के उपर ही लिया है ठीक है। सो जिमें आप इतने हमने देखा ही सीगा आप जो वन भरया सीगा तो वन आई है वैल्यू ठीक है इन हूँ आप जे इस तरह वधाते जाइए तुम देख सकते हो वैल्यूज है जीडिया वो बढ़ रही हैं ठीक है। जिमें जिमें वैल्यू इनक्रीज हो रही है एक्स की कोरसपोंड वाई है जोड़ा वो डिक्रीज हो जाता घटी जाता थले जा रहा जिमें जिमें इधर उपर जावे वैल्यू वाई की उपर वाल जा रही है ठीक है एक्स घट रहा हूँ तो वाई है इनक्रीज हो रहा सो अपोजिट केस हो गए सो इट मीन ये फंक्शन की है अपने को डिक्रीजिंग फंक्शन हो सो इस केस योजे केस फंक्शन की होगा डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे आप। नैक्सट है बच्चे अपने को नैक्सट आप एक थ्योरम हम करनी है। हाँ जी बच्चे अपने को थ्योरम की है ये इफ ए फंक्शन एफ इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी ठीक है फंक्शन अपने को कंटीन्यूअस होवे क्लोज इंटरवल ए बी दे विच डेरिवेबल होवे इन ओपन इंटरवल ए बी ते एफ डैश एक्स है जिहड़ा ग्रेटर दैन जीरो होवे फॉर ऑल एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी दैन प्रूव दैट एफ इज स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी। सो आप बच्चे स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग प्रूव करना आप डेफिनेशन की स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग दी एक्स वन लैस दैन एक्स टू होवे इंप्लाइज एफ एक्स वन है जिहड़ा वह एफ एक्स टू तो जिहड़ा वह लैस होना चाहिए आप हमने जी है उनकी डेफिनेशन करके आए हैं स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग दी। हुण आपां लैट एक्स वन एक्स टू है जिहड़े आपां ओहो इस इंटरवल दे विच्चों दो पॉइंट आपां लैणे आ ठीक है जिंदे ते फंक्शन ये कंटीन्यूअस है ते डेरीवेबल है। सो आपां ये दो एक्स वन ते एक्स टू है जिहड़े डोमेन दे विच्चों फंक्शन दी दो पॉइंट ले ले आप एक्स वन लैस दैन एक्स टू। हुण आपां नूं फंक्शन है बच्चे जिहड़ा ये कंटीन्यूअस गिवन है तो डेरीवेबल भी है आपां पिछे लगरांजेज मीन वैल्यू थ्योरम करके आए हैं ठीक है
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਟ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਵਨ ਸੀ ਸੱਚ ਦੈਟ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਫ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਏ ਅਪੋਨ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਏ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਸਿੰਸ ਐਫ ਐਕਸ ਸੈਟਿਸਫਾਈਜ ਬੋਥ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਐਲ ਐਮ ਵੀ ਇਨ ਐਕਸ ਵਨ ਐਕਸ ਟੂ ਐਜ਼ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਟ ਲੀਸਟ ਵਨ ਸੀ ਇਨ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਐਕਸ ਵਨ ਕੋਮਾ ਐਕਸ ਟੂ ਸੱਚ ਦੈਟ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਫ ਐਕਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਐਕਸ ਵਨ ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਵਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਇੱਧਰ ਐਕਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਐਫ ਐਕਸ ਟੂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਵਨ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਕਸ ਟੂ ਆ, ਹੁਣ ਐਕਸ ਵਨ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਟੂ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਇਨ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਏ ਬੀ। ਸੋ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗਾ ਫੋਰ ਸੀ ਇਨ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਏ ਬੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਰੋਮ ਵਨ ਐਫ ਐਕਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਐਕਸ ਵਨ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ, ਐਫ ਐਕਸ ਟੂ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਐਫ ਐਕਸ ਵਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਐਫ ਐਕਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਫ ਐਕਸ ਟੂ। ਸੋ ਇਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਵਨ ਐਕਸ ਟੂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਫ ਐਕਸ ਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਐਫ ਐਕਸ ਟੂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਹੈ ਇਨ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਏ ਬੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਜੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਜੇ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗਾ ਸੇਮ ਥਿਓਰਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈਸ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਬਣੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਫ ਐਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਨ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਏ ਬੀ, ਐਫ ਇਜ਼ ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਇਨ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਏ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਐਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ ਏ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਰੀਵੇਬਲ ਹੈ ਇਨ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਏ ਬੀ, ਅਤੇ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਐਫ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
show that the function given by fx is equals to 3x plus 17 is increasing on real number. So, sab to pehla je apan let x1 te x2 real number de vichon a number le liye, x1 less than x2 hove je, theek hai. Hun dovan passe apan 3 naal multiply kar liye, taan 3 je x1 less than x2 hai ta 3x1 vi less than 3x2 hovega. Adding 17 on both side, ठीक है, ये अब तुहाडे कोले किंदी वैल्यू आ गई कि एफ एक्स वन लैस दैन एफ एक्स टू आ गया. कहने का मतलब की हो गया जे एक्स वन लैस दैन एक्स टू है तो अपने कोले एफ एक्स वन है जिहड़ा लैस दैन एफ एक्स टू आजूगा फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंगस टू रीयल नंबर. सो इन अदर वर्ड जी आप जी थिरम की है वह थिरम नाल भी कर सकते हैं. एफ एक्स साढ़े को 3x plus 17 है, इनका डेरीवेटिव करिए जे आप इनका डेरीवेटिव 3x डेरीवेटिव 3 कॉन्सटेंट बाहर आ गया 3 आ गया. सो विच इज़ ग्रेटर दैन जीरो, ये की बन गया स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग बन गया. बच्चो ये फंक्शन हमेशा इनक्रीज ही करूँगा, ठीक है. ये फंक्शन थ्रू आउट आपकी डोमेन इनक्रीज ही करता जाऊगा, वधदा ही जाऊगा. जिवें जिवें एक्स की वैल्यू वधी जाऊगी उवें उवें जिहड़ी कोरसपोंड है वह एफ एक्स की वैल्यू भी वधूगी. इनू आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं. हाँ जी स्टूडेंट, नैक्सट क्वेश्चन अपने को क्वेश्चन नंबर सैकेंड. इस क्वेश्चन की है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर टू एक्स इज इनक्रीजिंग ऑन आर. सो बच्चो इस क्वेश्चन आप एक तो उही डेरीवेटिव वाले मैथड नाल ते एक जी आप डेफिनेशन की है एक्स वन लैस दैन एक्स टू इंप्लाइज एफ एक्स वन लैस दैन एफ एक्स टू. एक तो यह डेफिनेशन तो एक जी दूसरी डेफिनेशन आपकी है जे एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो हो फंक्शन वह इनक्रीजिंग हों, ठीक है. जे एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन जीरो हो जाए तो फंक्शन है जोड़ा वो स्ट्रिक्टली इनक्रीज है जोड़ा वह करता. सो सब तो पहला आप डेरीवेटिव की गल करिए जे अपन एफ एक्स किन्ना गिवन है ई रेज टू पावर टू एक्स इनका डेरीवेटिव किया आप इनका डेरीवेटिव की आ गया टू इंटू ई रेज टू पावर टू एक्स. बच्चे हम आप पता है जी ई दी एक्स की वैल्यू है जी वह अपने को जीरो टू इनफिनिटी के लाई करती है जो इनकी रेंज है जी वह जीरो टू इनफिनिटी होंगी है. सिमिलरली जी इनकी रेंज है वह भी ई रेज टू पावर टू एक्स की रेंज भी जी है वह जीरो टू इनफिनिटी के लाई करेगी. और इन अदर वर्ड्स जोड़ा ई द टू एक्स है वह ग्रेटर दैन जीरो होंगे दोवें पासे टू नाल मल्टीप्लाई कर दिए ग्रेटर दैन जीरो आ जाएगा. सो इतों एफ डैश एक्स की वैल्यू की आ गई अपने को ग्रेटर दैन जीरो आ गई. कहने का मतलब ये फंक्शन है जोड़ा वह स्ट्रिक्टली इनक्रीज कर जाएगा, ठीक है. सो यह तो हो गया डेरीवेटिव वाला मैथड. सो इधर हूँ अपने को आप लैट एक्स वन एक्स टू है जोड़ा वो रीयल नंबर के पिछों ले लीए एक्स वन लैस दैन एक्स टू है, ठीक है. दोवें पासे टू नाल मल्टीप्लाई कर दिए एक्सपोनेंशियल ले लीए बोथ साइड. सो अपने को जोड़ा एफ एक्स वन है वो लैस दैन है जोड़ा एफ एक्स टू आजूगा. इतों भी यह की है अपने को प्रूव होंगे. सो इस तरह आप ग्राफिकली भी चैक कर सकते हैं ये जोड़ा फंक्शन है जिहड़ा स्ट्रिक्टली इनक्रीज करूगा. मैं इतने ग्राफ बना जा रहा ये जियोजेबरा ऐप से. सो तुसी इतों भी चैक कर सकते हो जिहड़ा ई रेज टू पावर टू एक्स जिहड़ा ग्राफ है, ठीक है बच्चे ये इनक्रीज ही कर रहा, ठीक है. सो इन्हू जिन्ना मर्जी आप जूम आउट कर लिए इतों देख सकते हो तो ये कभी भी यह एक्स एक्सिस नू मीट नहीं करता, ठीक है. ये क्लोज हों बिल्कुल. सो ये एक्स एक्सिस में इतों जो तुम मैं दिखाव करके तो तुम इतों देख सकते हो ये मीट नहीं करता पाया, ठीक है. ये मीट नहीं करेगा. सो ये इस तरह का इनका ग्राफ हों. नैक्सट चलते हैं आप हम अगले क्वेश्चन वाल चलते हैं. हम आप सैकेंड क्वेश्चन सी हाँ अगे आ गया बच्चे थर्ड क्वेश्चन. Show that the function given by fx is equals to sin x is increasing
इन ओपन इंटरवल 0 to π/2। सो सब तो पहले आप डेरीवेटिव करिए एफ डैश क्या अपने को डेरीवेटिव भी आ जाएगा कोस एक्स। हूँ आप प्लस वन के क्वाड्रेंट बारे पता सीखा हो जो 0 to π/2 फस्ट क्वाड्रेंट हूँ। सो फस्ट क्वाड्रेंट के जोड़ा कोस एक्स की होएगा पॉजिटिव हूँ फस्ट क्वाड्रेंट सारे आल पॉजिटिव होंगे साइन कोस टैन इन्हों के उल्ट भी सारे पॉजिटिव ही होंगे। सो ये अपने को हो गया बच्चों जोड़ा ए पार्ट के जोड़ा एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स है जोड़ा वह की है स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग हो गया इन ओपन इंटरवल 0 to π/2। इनका बी पार्ट करिए जो आप सिमिलरली एफ एक्स है जोड़ा हूँ अपने को एफ डैश एक्स की है कोस एक्स है डेरीवेटिव। सो अपन पता सैकंड क्वाड्रेंट के बच्चे कोस एक्स की वैल्यू की होंगी है नैगेटिव होंगी है ठीक है। सो जी आप थ्योरम की है ठीक है ये अपने को फस्ट क्वाड्रेंट है ये सैकंड क्वाड्रेंट है प्लस वन के पढ़िया डिटेल ट्रिग्नोमैट्री चैप्टर के। सो सैकंड क्वाड्रेंट में लैस दैन वैल्यू आ गई एफ डैश एक्स की। सो आप जी थ्योरम की उन्होंने अकॉर्डिंग एफ एक्स की होजूगा बच्चों इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 to π। थर्ड पार्ट है बच्चे हूँ फ्रॉम अबव ए एंड बी पार्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज नाइदर इनक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to π एज इन 0 to π/2 एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज इनक्रीजिंग एंड इन π/2 to π एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज strictly decreasing so, बच्चे हुण आपां नूं की इत्थों पता लग रहा है भी 0 to π दे विच फंक्शन इनक्रीज भी कर रहा है ते डिक्रीज भी कर रहा। सो जदों अपने कोल एवें दा केस आ जूगा आपां नूं कोई इंटरवल दिता है जिंदे विच फंक्शन इनक्रीज भी कर रहा है ते डिक्रीज भी कर रहा है ठीक है दोवें केसेस उहदे बन रहे होए वो फंक्शन है जिहड़ा वो किहड़ा केस बन जाएगा नाइदर इनक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। सो इहदा आपां ग्राफिकली भी आपां साइन एक्स का ग्राफ है जिहड़ा देख लैने आ। हाँ जी बच्चे हुण आपां जिहड़ा साइन एक्स का ग्राफ ड्रा करके ये सिखांगे किवें फंक्शन 0 to π/2 च इनक्रीज कर रहा ठीक है तो π/2 to π तक है जिहड़ा वो डिक्रीज कर रहा। तुसीं इत्थों देखो 0 to π/2 ठीक है अपने को 0 to π/2 अपन पता π/2 की वैल्यू 1 होंगी है साइन की। सो इतें इनक्रीज कर रहा सो इतें फिर π/2 to π तो अपन पता 0 होंगी है सो डिक्रीज कर रहा है फंक्शन। सो इतों अपन ईजीली है जोड़ा वो पता लग रहा ठीक है फंक्शन आ इतों तक इनक्रीज किया ठीक है π/2 तक इनक्रीज कर रहा π/2 to π ठीक है वैल्यू पाई है अपने को ठीक है। सो इतें यह डिक्रीज कर रहा है सो 0 to π तक है जोड़ा फंक्शन है वह नाइदर इनक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है क्योंकि इन इनक्रीज का पोर्शन भी आ गया डिक्रीज का भी आ गया। सो ये आप इस तरह करना सी नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं नैक्सट फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं ए पार्ट अपने को फंक्शन की गिवन है 2x² - 3x अपना इनक्रीजिंग द इंटरवल फाइंड करना। सो सब तो पहले डेरीवेटिव कर लिए 4x - 3 आ गया अपने को ठीक है। सो इनक्रीजिंग द अपने को कंडीशन होंगी है एफ डैश एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होंगे। सो इतने 4x - 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0
फोर एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन थ्री। फोर कहन का मतलब अपने को इनक्रीजिंग द इंटरवल की आ गया 3/4 टू इनफिनिटी। इस तरह ही बी पार्ट अपने को जिहड़ा डिक्रीजिंग फंक्शन है उनकी कंडीशन की होंगी है एफ डैश एक्स लैस देन इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स की वैल्यू अपना कैलकुलेट की है 4x-3, 3 उधर जाके प्लस द आजूगा, एक्स लैस देन इक्वल टू 3/4। सो इन द इंटरवल की आ गया माइनस इनफिनिटी टू 3/4 क्लोज, 3/4 है जिहड़ा आपां हुण इनकलूड करांगे। सो इसे बच्चे इनका जे आपां ग्राफ बनाना चाहिए, इनका ग्राफ तुहाडे कोल की है, आ बच्चे इनका ग्राफ है 2x2-3x का जिहड़ा ये अपर पैराबोला बन रहा है। ठीक है, हुण ये इस पॉइंट ते है जिहड़ा फंक्शन है एक्सट्रीमम जिहड़ा आया इहदे ते ये ब्रेक होया। ठीक है, इधरों आप इतने कोई पॉइंट ड्रा करिए, इंदे उपर आप कोई पॉइंट ड्रा करिए, जे सो तुसी की देखोगे ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, आप दे एक्सट्रीमम ते, एक्सट्रीमम तो उपर इधर नू ओह इनक्रीज कर रहा। ठीक है, सो जे तो थ्रू आउट आप गल करिए डोमेन ते रियल नंबर दे तो यह फंक्शन ना इनक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। ठीक है, जे आप वैसे गल करिए फंक्शन जिहड़ा इहदा अपने को पॉइंट एक्सट्रीमम पॉइंट आया सीगा जिहड़ा आह 1/4 है जिहड़ा। ठीक है, उस ते जदों तां आपां उहदे तो लैफ्ट वल जाने तो डिक्रीज करता है, राइट वल जाने तो इनक्रीज़ करता है। सो ये तुहानूं ग्राफ तों ही पता लग रहा। सो बच्चो अज लई इन्ना ही, सो ये तुहाडा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बाकी क्वेश्चन नैक्सट लैक्चर च करांगे। तुहाडे सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।